दोस्तों आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ, एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशन स्टोरी सुनाने वाला हूँ। दोस्तों इसका ये कहानी एक जिद्दी लड़के की है जिसका नाम है राजू। राजू पिछले कई साल से अपने शहर में होने वाली मैराथन में हिस्सा लेता था लेकिन कभी भी रेस पूरी नहीं कर पाता था। इस बार भी वह बहुत उत्साहित था क्योंकि वह पिछले कई महीनों से रोज इस रेस की तैयारी कर रहा था। उसे अपने आप पर पूरा भरोसा था कि वह इस साल की मैराथन रेस जरूर पूरी कर लेगा। देखते ही देखते मैराथन का वो दिन भी आ गया और सभी लोगों को लोग एक जगह एकत्रित हुए और जैसे ही रेस शुरू हुई बाकी लड़कों की तरह राजू भी दौड़ना शुरू कर दिया। वह जोश और हिम्मत से भरा हुआ था और बड़े अच्छे ढंग से दौड़ रहा था लेकिन आधी रेस पूरी करने के बाद राजू बिल्कुल थक गया और उसके मन में आया कि बस अब वहीं बैठ जाए। वह ऐसा सोच रहा था कि तभी उसने खुद को कहा, रुको मत राजू, आगे बढ़ते रहो। अगर तुम दौड़ नहीं सकते तो कम से कम जॉगिंग करते हुए तो आगे बढ़ सकते हो, तो बस आगे बढ़ो। और राजू अब पहले की अपेक्षा धीमी गति से आगे बढ़ने लगा। कुछ किलोमीटर इसी तरह दौड़ने के बाद राजू को लगा कि उसके पैर अब और आगे नहीं बढ़ सकते। वह लड़खड़ाने लगा। राजू के अंदर विचार आया, अब बस और नहीं बढ़ सकता। लेकिन एक बार फिर राजू ने खुद को समझाया, रुको मत राजू, अगर तुम जॉगिंग नहीं कर सकते तो क्या, कम से कम चल तो सकते हो, तो बस चलते रहो। राजू अब जॉगिंग करने की बजाय धीरे धीरे लक्ष्य की ओर बढ़ने लगा। कई सारे लड़के राजू के आगे निकल चुके थे। चलते चलते राजू का फिनिशिंग पॉइंट दिखने लगा लेकिन तभी वह अचानक से लड़खड़ा कर गिर पड़ा। उसके दाएं पैर की नसें खिंच गई। जमीन पर पड़े राजू के मन में ख्याल आया कि अब आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन अगले पल ही वह जोर से चिल्लाया, आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस रेस को पूरी करके रहूंगा, मेरी जिद है। माना मैं चल नहीं सकता लेकिन लड़खड़ाते ही सही, लेकिन इस रेस को पूरी जरूर करूंगा। राजू ने साहस दिखाया और एक बार दर्द सहते हुए आगे बढ़ने लगा और इस बार वह तब तक बढ़ता रहा जब तक उसने फिनिशिंग लाइन पार नहीं कर ली। और फिनिशिंग लाइन पार करते ही वह जमीन पर लेट गया। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। राजू ने रेस पूरी कर ली। उसके चेहरे पर इतनी खुशी और मन में इतनी संतुष्टि कभी नहीं आई थी। आज राजू ने अपनी जिद के कारण न सिर्फ एक रेस पूरी की थी बल्कि जिंदगी के बाकी रेसों के लिए भी खुद को तैयार कर लिया। इस कहानी से दोस्तों हमें ये सीख मिलती है, चलते रहने की जिद हमें किसी भी मंजिल तक पहुंचा सकती है। मुश्किल में आने पर हार मत मानिए, ना चाहते हुए भी कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, पर ऐसा हालात को कुछ भी ना करने का बहाना मत बनाइए। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा।